जो महिलाएं आई हैं वो हस्त कलाकार है, शिल्प कला और ग्रामीण संस्कृति में निपुण है। वो महिलाओं का एक समूह है जो कुटीर उद्योगों संबंधित आर्थिक गतिविधि करता है। दोस्तों ये जो माला है वो कमल का है, तुलसी है ना, तुलसी ना, ओरिजिनल तुलसी है ना। यहाँ जो भी पेंटिंग्स हैं ये सारे में गोल्ड लगा हुआ है, तो ये सारी बहुत ही महंगी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आ गई हूँ सरस मेले में। सरस मेला नोएडा के सेक्टर 33A में लगा हुआ है और ये जो मेला है वो 16 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और 4 मार्च तक चलेगा। और दोस्तों ये जो मेला लगा हुआ है उसको, उस जगह को नोएडा हाट बोलते हैं, वहीं पे ये लगाया गया है। मेरे सामने है गेट, यहाँ से एंट्री मैं लूँगी, फिर मैं चलती हूँ, दिखाती हूँ आपको क्या क्या है। ये है एंट्री गेट, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार। ये जो मेला है इसका आयोजन नोएडा में चौथी बार हुआ है। वैसे तो ये 1999 ईस्वी से शुरू हुआ था इसका आयोजन, 1999 ईस्वी से ही ये निरंतर लगने वाला मेला है, लेकिन यहाँ पे चौथी बार लगाया गया है। दोस्तों यह जो मेला है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की एक पहल है। जो मेला है इसका उद्देश्य है महिलाओं को सशक्त बनाना, मतलब जो महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप या अन्य संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं उनको यहाँ पे लाके उनका स्टॉल लगवाया जाता है, उनसे बिजनेस करवाया जाता है और साथ ही वो और भी कलाकारों से मिल सके, ये सब करवाया जाता है। इसीलिए ये जो मेला है अभी यहाँ पे 29 राज्यों से लगभग 400 महिलाएं आई। और दोस्तों यहाँ से एंट्री गेट है, बहुत ही डेकोरेट करके बनाया गया है, तो ये देखिए ये मेले के लिए ही शायद बनाया गया है या पहले से है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा गेट है। अभी यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे और ये लगता है शाम होते ही यहाँ पे लाइट्स वगैरह जलने लगती है, तो और भी खूबसूरत ये लगता होगा। दोस्तों यहाँ जो महिलाएं आई हैं वो हस्त कलाकार है, शिल्प कला और ग्रामीण संस्कृति में निपुण है, साथ ही सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है। और एक बात और बता दें, यहाँ 85 सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही सुंदर पेंटिंग या फिर क्राफ्ट जो भी बोल लीजिए यहाँ बनी हुई है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हाथी है, पूरा लग रहा है वुडन का बना हुआ है और हस्तशिल्प कला है, तो हस्तशिल्प कलाकार ने ही किसी ने बनाया होगा, कितने अच्छे से कार्व किया गया है, तो ये शायद सेल के लिए ही है, कहीं इसकी स्टॉल लगी होगी, ये बस मतलब शो के लिए लगाया गया है, शो के लिए नहीं, मतलब वहाँ स्पेस हो सकता है उनका फुल होगा तो इसलिए लगा दिया है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से ऐसे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और हम लोग ऊपर जाएंगे, यहाँ पूरा है। दोस्तों अभी चलते हैं, यहाँ बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है वो देखने, तो चलिए। ड्राई फ्रूट्स, यहाँ काजू मिल रहा है सिर्फ, ड्राई फ्रूट्स क्या। और यहाँ लिखा हुआ है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। और उसके बाद दोस्तों वेस्ट बंगाल के अचार, ये दीदी अचार है और क्या है आपके? अचार है, पापड़, पूरी और चॉकलेट भी है। आप वेस्ट, अच्छा आप वेस्ट बंगाल से हो? हाँ। ये सारा हैंडमेड है आपका? हाँ, पूरा हैंडमेड है। आप लोग ही बनाते हो? हाँ, हम लोग का टीम है पूरा। अच्छा टीम है पूरा। हाँ। कहाँ वेस्ट बंगाल में, कहाँ से हो आप? हावड़ा। हावड़ा से। दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसको हिंदी में स्वयं सहायता समूह बोलते हैं।
वो महिलाओं का एक समूह है जो कुटीर उद्योगों संबंधित आर्थिक गतिविधि करता है। दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश में सेल्फ हेल्प ग्रुप और आंगनवाड़ियों का गठजोड़ बनाया गया है, जिससे कि लीकेज कम हो, मतलब राशन की निगरानी अच्छे तरीके से हो सके। दोस्तों, एक और अच्छी चीज आपको दिखाते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, देखा आपने, हमसे ऐसे नाचते नहीं बनता है, ये डंडे पे खड़े होकर नाच रहे थे। तो यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही विविधताएं हैं, मतलब जो सूरज कुंड मेला था उससे भी ज्यादा विविधताएं हैं। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश का है, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही स्टेट के हैं, जैसे वहाँ पे राजस्थान ज्यादा दिख रहा था या कुछ भी, तो यहाँ पे लग रहा है तमिलनाडु के, वेस्ट बंगाल के, मतलब सारे स्टेट के लगभग हैं। यहाँ आगे और भी है, असम का, मतलब नॉर्थ ईस्ट का भी है, सब है। तो आपको सारा कुछ दिखाते हैं। यहाँ पे तमिलनाडु की ज्वेलरी मिल रही है, तो मैं दिखाती हूँ यहाँ के और तमिलनाडु के ज्वेलरी में क्या अंतर होता है। ये यहाँ पे जैसे ये सारे रुद्राक्ष माला वगैरह। दोस्तों, ये जो माला है वो कमल का है, मुझे पहली बार पता चला है कि कमल का भी माला बनता है। भैया, कहाँ से आप आए हो? मुरली में। मुरली नाम? नाम मुरली। और कहाँ से आए हो? तमिलनाडु। तमिलनाडु। और ये माला जो है ये आप बनाते हो? बनाऊंगा। खुद से बनाते हो? अच्छा, नहीं माला बनाया खुद से? ये तुलसी माला है। तुलसी है ना? तुलसी ना, ओरिजिनल तुलसी है ना। अच्छा, हाँ। बिग साइज मैडम, स्मॉल साइज ये स्मॉल साइज। ये भी तुलसी ही है? ये भी तुलसी ही है? तुलसी मैडम, ओरिजिनल तुलसी, चंप कंपनी ना, कापर कंपनी ना, कापर ओरिजिनल तुलसी माला। कितने का वो मिलता है, कितने प्राइस 150। और ये 200। ये 200। ये कलरफुल जो है ये भी तुलसी ही है? ये पावला माला मैडम, ये पावलम 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 ओरिजिनल पावलम, ये तुलसी माला, ये ओरिजिनल। दोस्तों, यहाँ तो कुछ ज्यादा ही अच्छा अच्छा क्राफ्ट दिख रहा है। यहाँ मेरे सामने है असम का क्राफ्ट, तो ये देखिए, ये है असम। इस पे चलते हैं, देखते हैं। ये तो सुंदर सुंदर हैंडमेड क्राफ्ट हैं। वाओ, यही असम का है। ये ट्रे है वुड का, ये कप। दोस्तों, ये लैंप है, ये गुलदस्ता है, ये बैठने के लिए है, कितना सुंदर सा है। ये एक अलग टाइप की चेयर, ये बेत का है, ये लकड़ी का नहीं, बैम्बू का बना हुआ है, ये बैम्बू का बना हुआ है। दोस्तों, मैं अब दिखाती हूँ आंध्र प्रदेश की कलाकारी, तो बहुत ही बेहतरीन है, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, एकदम गारंटी है। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वेंकट साई वेलगु संगम आंध्र प्रदेश। ये जो है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम है, वेंकट साई वेलगु संगम। इस शॉप में जो है सिर्फ ऊड की कलाकारी मिल रही है, और वो भी भगवान की बनी हुई साड़ी है मूर्ति। यहाँ पे जैसे ये गणेश जी, और वो हाथी, इधर कृष्ण भगवान, विष्णु, और इधर भी सारे देवता, मतलब महात्मा बुद्ध हैं, और एक गणेश जी है, एक माता लक्ष्मी है, एक उधर भी गणेश जी है। कहाँ से आप आए हैं? आंध्र प्रदेश। कौन से डिस्ट्रिक्ट से? तिरुपति डिस्ट्रिक्ट। तिरुपति से? ये आर्ट वर्क हस्तशिल्प है, जेंट्स करता, महिला कम करता, और महिला साफ करता महिला। अच्छा, सिर्फ महिलाएं साफ करती हैं और जेंट्स बनाते हैं। दोस्तों, मेरे सामने है छत्तीसगढ़ का स्टॉल। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आयरन का डेकोरेशन का सामान मिल रहा है। ये जो डेकोरेट करने वाला सामान है वो हमने आदि महोत्सव में भी देखा है, तो हम आगे चलते हैं, कहीं और देखते हैं। ये सामने है पंजाब की स्टॉल। ये देखिए, यहाँ पे पंजाबी, आपको देख के ही लग रहा होगा पंजाबी कल्चर, ये इनका। दोस्तों, अब आ गए हैं राजस्थान के स्टॉल के पास, तो वहाँ देखते हैं क्या है। ये बालाजी राजस्थान लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये ज्वेलरी वगैरह। दोस्तों, ये जो मेरे सामने हैं वो मध्य प्रदेश से आए हैं, और इनका नाम है विनायक सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये देखिए,
यहाँ पे ये रंगोली बनाने का आइटम मिल रहा है ये। दोस्तों मेरे सामने है बिहार की सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसका नाम है एक तुलसी। यहाँ पे ये तुलसी बिहार, इन्होंने इयर रिंग्स लगा रखा है सुंदर सुंदर। और ये क्या क्या है दीदी आपके पास? आप कहाँ से हो पहले ये बताओ? बिहार से। बिहार में कहाँ से? शेखपुरा जिला से। शेखपुरा से, अच्छा। तो और ये सब जो है, और तंजौर पेंटिंग है ये आपने बनाया? जी। कौन सी पेंटिंग है ये? ये तंजौर पेंटिंग है। तंजौर पेंटिंग, ये तंजौर पेंटिंग और दीदी ने बनाया। मिलके बनाते हैं। ओ, आप दोनों मिलके बनाते हैं। वो भैया शर्मा रहे हैं। आप कब से आए थे यहाँ पे? आए थे 14 तारीख को। तो हमेशा लगाते हैं आप? हाँ, हर साल में एक बार लगाते हैं। साल में एक बार। चलिए, और ये पेंटिंग जो है कितने की है? ये 2,45,000। 2,45,000 की। वाह, तो ये क्या लगा हुआ है इसमें? इसमें गोल्ड लगा हुआ है, अंदर जो है ना उसमें गोल्ड लगा हुआ है। सो गोल्ड आपने लगाया है? सागवान का फ्रेम होता है। सागवान का फ्रेम है सागवान का, और ये गोल्ड लगी हुई है। तो गोल्ड कितना लगा हुआ है इसमें? इसमें वजन नहीं होता। वजन नहीं, मतलब वो कोटिंग गोल्ड की? नहीं, आइस का। अच्छा, लंबाई ले भाई। गोल्ड लगी हुई है तभी तो 2,45,000 की। लेकिन वो बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छी दिख रही है। ये आपको क्लोज से दिखाती हूँ मैं। बनाने में 6 महीना, 6 महीना आपका लगा? तब तो ये 2,45,000 की वैसे ही हो गई। दीदी लेकिन है आप बहुत क्यूट। हंस रही हैं बहुत अच्छे से। थैंक यू दीदी। जो है ये खुद से ही आप बनाती हैं? नहीं, ये सब समूह में बनाती है सब मिलके, और पेंटिंग सबको सिखाते हैं दीदी सब। अच्छा, पेंटिंग सिखाते हैं, उसके बाद आप लोग बना बना के ऑनलाइन पर भी करने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ जो भी पेंटिंग्स हैं ये सारे में गोल्ड लगा हुआ है, तो ये सारी बहुत ही महंगी है। और यहाँ पे जो पेंटिंग है यहाँ दीदी की, वो 3,000 से स्टार्ट होती है, और सारी वो सब महंगी ही होगी। जैसे वो सब है वो कितने की होगी गणेश जी वाली? ये 15,000 की। वो सब 15,000 की? अच्छा। ये दीदी जो थी उनका नाम कृष्णा देवी है, और बिहार के शेखपुरा जिला से हैं। लेकिन है तो वैसे वो बेगूसराय जिला से, लेकिन उनकी शादी शेखपुरा में हो गई है, तो वो अब शेखपुरा की हो गई हैं। और ये तंजावुर कला में बहुत ही ज़्यादा निपुण है, ये बहुत फेमस कलाकार हैं। मुझे अभी अभी पता चला है, मैं नहीं जानती थी इनको।